नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा बोर्ड क्लास टेंथ के एग्जामिनेशन को लेकर कि जो आपका कक्षा दसवीं का साइंस की परीक्षा होने वाली थी उसको अब रद्द कर दिया गया है, यानी कि परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। तो दोस्तों, ये जो परीक्षा है हरियाणा बोर्ड की स्थगित की हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं NDTV इंडिया की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर है। और पूरी खबर क्या है, सारी दोस्तों खबर है वो आपके बहुत सारे राज्यों पर पड़ने वाली इसका असर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पल पल की अपडेट इस चैनल पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी खबर है हरियाणा बोर्ड क्लास टेंथ रिजल्ट, अब छात्रों के परीक्षा परिणाम अब अन्य विषय के आधार पर ही घोषित किए जा सकेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं अब उन्होंने क्या बोला है। नई दिल्ली देखिए, HBSC टेंथ रिजल्ट 2020, दसवीं के विज्ञान की परीक्षा अब नहीं होगी, दसवीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट उन्हीं विषय के आधार पर किया जा सका जिनके स्टूडेंट एग्जाम पहले दे चुके हैं। इस बात का ऐलान राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। आगे आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य बोर्ड कक्षा दसवीं के विषय विज्ञान है उनकी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ताकि तब तक लॉकडाउन की घोषणा यानी घोषणा होती, लॉकडाउन 14 अप्रैल तक के बाद हटेगा, यहाँ पे घोषणा की जा चुकी है। अब छात्रों के परीक्षा परिणाम अन्य विषयों के आधार पर ही घोषित किए जा सकेंगे, उनकी परीक्षा दी गई है। अब यहाँ पर बोला है कि आपने जो पहले एग्जामिनेशन दे रखे हैं उन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, विज्ञान की परीक्षा नहीं होने वाली है। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि जो नौवीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया जाएगा और स्टूडेंट को उनके प्रदर्शन के आधार पर, इनका प्रदर्शन है उनके आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। ग्यारहवीं की परीक्षा देखिए, ग्यारहवीं की जो गणित की परीक्षा है वो परीक्षा नहीं हो पाई है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया, और जो बारहवीं की परीक्षा है उनको लेकर उन्होंने कहा कि इस पर कोई फैसला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि NCERT के अनुरूप ही फैसला लिया जाएगा। देखिए जो ये बोर्ड है हरियाणा बोर्ड, उन्होंने मना किया एग्ज़ाम को लेकर, जब जो राजस्थान बोर्ड है और बाकी जो बचे हुए बोर्ड हैं वो भी इस पर बहुत जल्द फैसला लेंगे कि आपका एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। और जैसे ही कोई और भी नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई आपका आदेश आता है तो हम सबसे पहले बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पल पल की अपडेट इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, स्थगित हुए एग्जाम की नए टाइम टेबल के लिए आज विजिट करें rclear.in वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, वहाँ जाके आप अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी विजिट करें rclear.in वेबसाइट को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।